सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं रेडी बैठा हूँ। सोचो कहाँ जा रहा हूँ। वहाँ टाइम हो गया है 5, और तो इस टाइम मेरा टाइम होता है जिम का। जिम जाता हूँ, आपको पता ही, थोड़ा बहुत हमारे भाई ने वर्कआउट शुरू कर रखा है। तो आज है संडे, और संडे 5 बजे जिम। सोच सकते हो इन कपड़ों में जिम जाता हूँ क्या मैं? नहीं गाइस, जिम जा रहा हूँ पर वर्कआउट करने नहीं जा रहा। आज जा रहे हैं हम थोड़ा जिम की साफ सफाई करने, क्योंकि वो हमारा खुद का जिम है। खुद का मतलब हमारा VIP है, यू नो, समझ रहे हो? तो पैसे पूछे देने नहीं पड़ते जिम को, जिम के लिए हमें, तो हमें उसकी थोड़ी सी देख रेख और साफ सफाई करनी पड़ती है। तो आज हमारा संडे का दिन है, काफ़ी उसके अंदर वो मिट्टी वगैरह हो रखी है, थोड़ा बहुत वो थोड़ा ख़राब सा हो रखा है। तो आज की थोड़ा सा हम डेंटिंग पेंटिंग करेंगे और साफ सफाई करेंगे। तो मैं निकलने के लिए रेडी हूँ, सोचा इसी का आज व्लॉग बनाते हैं और दिखाते हैं, हमारा जिम के दर्शन कराएंगे तुम्हें, और जो हमारे यार दोस्त हैं जो भी हम साथ में लगाते हैं सबसे मिलवाऊंगा। तो मैं आज तो ये थोड़े से हमने ओट्स बनाए थे अभी खाने के लिए, तो ओट्स खा के निकलते हैं। फिर 5 बजे जाना है, अभी की 5 बजे जाना है, 10 मिनट रह गए हैं, 10 मिनट के बाद निकलते हैं। सो खा के फिर दिखाता हूँ आपको जिम के दर्शन। अभी ये जो चीज़ हमने हाथ में उठाई है आपको पता ही होगा शायद, काफ़ी लोगों को नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ क्या है ये। इससे इसमें से निकलता है तेल, समझ रहे हो, इंजन ऑयल या फिर कोई भी ऑयल जो तुम उसमें डालोगे वो निकलेगा। तू भाग ले पहले। तो इसका क्या काम है अभी फ़िलहाल, क्योंकि जिम में हमारा जो मशीन में, पता ही है आपको, हर चीज़ को चलाने के लिए ऑयल चाहिए होता है, ठीक है? तो हमारी थोड़ा मशीन है जो जिम की थोड़ी सी वीक मतलब थोड़े से स्मूथ नहीं है, और पता ही है तेल जो भी चीज़ थोड़ी सी खुदरी हो जाती है, थोड़ा सा समझ रहे हो, तेल डालना पड़ता है तभी स्मूथ चलती है। तेल का बहुत काम है गाइस, पर जो चीज़ें टूट गई हैं उनका तो कोई फायदा नहीं ना, उसमें तेल डाल के कुछ नहीं होगा। अगर खर्राटे मारेंगे तो पापा तो नाक में तेल डाल देना, आवाज़ नहीं करेगा। ये टिप्स फॉलो करना, ठीक है? बाय गाइस। हाँ, बहुत भोंक रही थी। तेल डालूँ हलक में तेल। तो हम निकलने के लिए रेडी हैं गाइस, रेडी। हेलमेट पहन लिया तो भाई ने, तुम भी पहन लिया करो, मैं भी कभी कभी पहनता हूँ, पर तुम तो डेली पहना करो यार, समझ रहे हो, ज़रूरी है बहुत। तो अब जाके तो मैं सीधा जिम में मिलूँगा, यहाँ पे तो व्लॉग करने का फ़ायदा नहीं, बुलाया बाइक चलाऊँगा तो व्लॉग नहीं करूँगा, तो सीधा जिम में जाके तुम्हें दिखाता हूँ। इतनी सारी मेहनत और कष्टों के बाद फाइनली हमारी एंट्री जिम हो चुकी है। ये देखो जी, कार्रवाई चालू है भाई। बहुत दिक्कत हुई आने में, हले एंट्री दे नहीं रहे बिल्कुल भी। कह रहे इस गेट से जाओ, इस गेट उधर जाओ, उधर जाओ, हले गेट सारे का अंदर जाने दे रहे। पता ही है अंदर थोड़ा वो चल रहा है ना आजकल, वो जो सीन चल रहा है अमृतपाल वाला, उस चक्कर में ये इन लोग एंट्री दे नहीं रहे। तो बंटी भाई ने हमारी बहुत कोशिश करी हमारी एंट्री कराने की, बट हो नहीं पाई, फिर हमें और कहीं से आना पड़ा। चलो लगो फिर काम पे। हाँ भाई, अब आपको बाद में दिखाते हैं। ये देख लो हमारा जिम देख लो। हिमांशु भाई देखता है हमारे ब्लॉग कभी कभी, बंटी भाई देख लिया तुम्हें, आप तो जरूर देखेंगे हमारे ब्लॉग। आज ब्लॉग में आज इनकी ब्लॉग में एंट्री होगी ना, आज लाइव कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे, आज सारा कुछ कर देंगे। चलो भाई कार्रवाई शुरू करते हैं, थोड़ा साफ सफाई करें और अपना। चलो भाई लग जाओ काम पे। सारे आज लग गए काम पे, सारे काम पे लग चुके हैं, सारा जिम हमारा फैल गया है। इसके बाद इसको सारा साफ करके पोछे मार के फिर इसको सेटल करेंगे, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको कैसा लगता है ये। लो जी, मशीन में की कार्रवाई चलती हुई, मशीन में तेल डाल रहे हैं, तेल डाल के थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। मेरी हालत देख लो कैसी हो रखी है, बहुत गंदी,
पसीना में तर्रम तर्र हो रहा है भाई तुम्हारा, इतना गंद निकल गया इसमें से। ये इधर थोड़ा साफ हो गया है, ये थोड़ा क्लीन एरिया है, और ये वाला भी एरिया थोड़ा गंदा है। इतना टाइम से करे जा रहे हैं, आप मेरी हालत देख सकते हो, बहुत थके हैं। ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट करते करते साफ सफाई, इतनी धूल मिट्टी निकल गई है, बाकी देखते हैं क्या होता आगे। लो जी, इतना सारा कूड़ा इसमें निकल गया है, कितना ज़्यादा है। मेरी हालत बहुत खस्ता हो रखी है, पूरी पसीने पसीने आ रखे हैं, बहुत गंदे, सबके हाथों में झाड़ू लगी हुई है। ये हिमांशु भाई तेल लगा रहे हैं, थोड़ा सा तेल लगा के इसको सॉफ्ट कर देंगे, फिर इसमें मज़ा आएगा। है भाई हिमांशु, तेल लगा के मज़ा लेगा इसमें ज़्यादा, बस मक्खन हो जाएगी। हाँ बंटी लगा खींच, जय बात हो गया स्मूथ। तेल का भाई फायदा है भाई, पता ही तेल का फायदा ना। अब आएगा एक्सेल लगाने का असली मज़ा। ये तुम्हारा भाई है, अभी बहुत काम रह गया अभी। हैं क्या कह रहा है? अब लीन और स्मूथ बॉडी बनेगी, अब लीन और स्मूथ बॉडी बनेगी कह रहा है। इसके बाद इसको निकाल के सारा अरेंजमेंट करना है, उसके बाद थोड़ा पोछा भी लगाना है इसमें, पोछा लगा के फिर अरेंज करके फिर घर को निकलेंगे। उसमें मुझे लगता है मेरे ख्याल से 2 घंटे और लग जाएंगे। हाँ भाई, साफ सफाई होगी हमारे हाथ, देखो हाथों की बस क्या बोलूँ, हाथ खराब हो गए सारे, दिखा देंगे बस सेटअप कैसा होगा। सारा अरेंज कर दिया हमने, इसके अंदर ऑयलिंग करी है, बहुत ज़्यादा मक्खन हो गया, ऑयल का फायदा ये होता है, बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है गाइस। आ हा हा, हाँ भाई बंटी, अब कैसा लग रहा है जिम, आप बताओ। आप हाथ देख सकते हैं, अब लग रहा है कोई फर्क है? जिम की हमने लाइफ 10 साल और बढ़ा दिया, साफ सफाई करते हैं। आज सारे खुश हैं भाई काम करके। पोछे का सीन आज थोड़ा रह गया, थोड़ा लेट हो गया मैं तो, पोछा का रहने देते हैं, झाड़ू हर हफ्ते झाड़ू मार देते हैं, बस वही बहुत है। पोछे का थोड़ा काम बढ़ जाता है यार, फिर थोड़ा साफ सफाई ज़्यादा हो जाती है, उसमें 2-4 घंटे और हो जाएंगे। टाइम वैसे ही बहुत हो गया आज, बस सारा सेटअप हो गया, वहाँ से ख़त्म करके घर की तरफ निकल रहे हैं, घर जाएंगे, थोड़ा खाते पीते हैं, थोड़ा हाथ वाथ साफ करते हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, फ़ोन भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा हाथ खराब हो गए। और पंजाब में थोड़ा नेट बंद है, तो ब्लॉग का पता नहीं है कब एडिट करूँगा, कब डालूँगा उसको। है वाईफाई, गरीबों घर वाईफाई नहीं है ना हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ होगा, तुम अमीर बंदे हो। कैंट में बहुत दिक्कत है भाई, नेट भी चलता ना कुछ है। लो भाई ये मज़ा ले रहा है पूरे मशीन के, आज बना देगा पूरे, आज बंदे का अनोल्ड। चलते हैं, मैं भी थोड़ा कपड़े पहनता हूँ, फिर उसके बाद बाद में घर जाके बात करूँगा। बाय भाई मंटी ब्रो, पिंदर भी आ गए, ये कहाँ है? ये बहुत लेट आया, देखो उसको, जब साफ सफाई हो गई, ऐसे लोग बहुत काम चोर होते हैं जो आते नहीं, जिम में दिखते नहीं है। तबीयत खराब है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, तो आज का हमने काम कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ये तो अपना। चल दिए घर की तरफ, रवाना हो चुके हैं। हाँ बंटी की बाइक देखो, आज बंटी ने बाइक भी साफ करी है, शाइन कर रही है, देखो एक नंबर। ये देखो दो हमारे जा रहे हैं जिगरी। चलो भाई ठीक है गाइस, मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर। ये देखो बहुत मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, मौसम दो हमारे ये जा रहे हैं चिले। ठीक है भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय। ये देखो हमारी हायाबूसा और बंटी की देखो छोटी बाइक है। हाँ रेस लगा रहा है क्या? नहीं भाई डर लगता है, राइडर में बहुत तगड़ा होना, इसलिए डरते हैं लोग। ये देख रहा है मुकाबला, देख रहा है मुकाबला, ये चमक रही है। So finally guys, we are home.
बहुत ज़्यादा थक गए हैं काम काज करके, पसीना पसीना हो गया, पसीना पसीना हो गया पूरी बॉडी में, और हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है। पैर में अलग से दर्द कर रहा है क्योंकि पैर में आज कांटा लग गया था, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। बाकी सारा काम हम दिन का ख़त्म करके आ गए हैं, अभी घर पहुँचे हैं। अब थोड़ा सा कमर सीधी कर रहे हैं, कमर सीधी करके थोड़ा सा चाय वाय पी के एनर्जी लेगा तब सारा भाई एनर्जी ले के। इंटरनेट तो बंद है तो और कुछ कर नहीं सकते, और कोई काम नहीं है, थोड़ा बस पढ़ाई वढ़ाई का देख लेंगे, थोड़ा नोट वगैरह कम्प्लीट करके उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। सो व्लॉग अच्छा लगा हो तो, हाँ एक बात और याद आ गई मेरे को, अगर आपको मेरा रूम टूर मतलब होम टूर चाहिए या रूम टूर चाहिए तो देख सकते हो आप, चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि अगला व्लॉग उसी पे डाल देंगे, मेरा रूम टूर या फिर मेरा घर टूर, ठीक है। तो वो भी दिखाएंगे, अगर कमेंट करके बताओगे तो पक्का बनाऊंगा। बाकी यार शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जल्दी जल्दी करवाओगे भाई के तभी भी नए नए ब्लॉग लाऊंगा, जैसे तुम बोलोगे वैसा ब्लॉग लेके आऊँगा, ठीक है। 1000 सब्सक्राइबर करवा दो मेरे, थोड़ा पेमेंट आएगी तो अच्छा लगेगा तुम्हारे भाई को, पार्टी वार्टी तुम्हें पार्टी दूंगा मैं, और बढ़िया बढ़िया ब्लॉग लेके आऊँगा, बढ़िया कैमरा लूँगा फिर मैं अगर करवा दोगे तो, वरना कोई बात नहीं, वरना काम चल रहा है, अपनी खुशी से ब्लॉग बना रहा हूँ, सब्सक्राइब हो ना हो क्या फर्क पड़ता है, बस ये है एटलीस्ट मेरी फैमिली देखती है, हम देखते हैं, हम खुश रहते हैं ब्लॉग देख के अपना, बाकी कोई देखो मत देखो, क्या कर सकते हैं। अब हमारा काम बनाना ब्लॉग, आपका काम है देखना, हम तो देखेंगे और हम बनाएंगे भी और देखेंगे भी, तो आप भी देखो, आप अपनी फैमिली को शेयर करो और खुद भी शेयर करो, स्टोरी भी डालो, फिर मेंशन करो। तो मिलते हैं गाइज आपको न्यू ब्लॉग में, और कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। जय हिंद गाइज। अगर हम जिम की सेवा करेंगे तो जिम हमारी सेवा करेगा, बताओ बॉडी बन रही थी मेरी तुम्हारे भाई की, अभी एक महीने हुए गए हुए, इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, पर हाँ फिर भी थोड़ा बहुत तो फ़र्क है। सो जैसा कि मैंने बोला था कि चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए हम किचन में आ चुके हैं, मम्मी थोड़ी पूजा कर रही थी इस वजह से मैं बोला नहीं, तो यहाँ से हमने उठाया है ये चाय वाला पैन जिसको बोलते हैं सॉस पैन, यहाँ से उठा के इसको रख के थोड़ा सा पानी वानी इसमें डालेंगे, बढ़िया आराम से पानी वानी डाल के इसको रख के एकदम चाय बनाते हैं बेहतरीन। गैस ऑन करी तुम्हारे भाई ने, इस पर रख दिया है, बाकी इसमें मिला के सब कुछ रेडी, और फाइनली हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन थी, मुझे बहुत पसंद आई। वाह अभी वाह समोसे आ गए, समोसे आ गए। मैं तो चाय बना रहा था, समोसे आ गए, अब चाय समोसे खाएंगे, बल्ले बल्ले हो गए भाई। ये इस आज ये लेके आए हैं, मंदिर के ऊपर लगेगा ये सिस्टम। ओके भाई गाइस, हम समोसे चाय समोसे खा लें उसके बाद मिलते हैं। लो गाइस, ये फोटो आ गया हमारे एक फ्रेम होके, मेरा मम्मी का भाई का, देखो तुम्हारा भाई कुर्ते में कितना मस्त लग रहा है। तो यहाँ पे हमारी चाय और समोसे रेडी हैं खाने के लिए, इसको लगाएंगे कहीं, एक और ये लेके आए, इसके अंदर पता नहीं क्या है, इसमें हमारी दादाजी और दादी जी की फ़ोटो है और बुआ जी, ये लो जी ये पेंटिंग है जो कि हमने करवाई थी, ये भी लगाएंगे इसको अब।